5, 6, 5, 6, 7. तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बड़ा बेन, आज हम जाने वाले हैं गारबेट प्लाटू ट्रैक पे, और अभी मैं हूँ थाने में, और बस अभी 5 o'clock हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। एंड आज मेरे साथ है अपना छोटू चाय वाला। सो गाइस, भाविन आज मेरे साथ। समझ रहे हो ना। सो गाइस, इसका आज प्रमोशन कर दिया है, ये बंदा आज स्वेटशर्ट पहन गया है। सो आज हम लोग इसको मैनेजर बना रहे हैं होटल के, तो ये अभी छोटू चाय वाला नहीं, छोटू मैनेजर है। सो गाइस, ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं थाने स्टेशन पे, तो मिलते हैं उधर और देखते हैं आगे। चलो गाइस, एग्जैक्ट भिवपुरी स्टेशन के सामने आपको एक बोर्ड मिलेगा, लाइक वहाँ से गारबेट ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड अगर आपको जगह ढूंढने को डिफिकल्टी हो रहा है, तो आप आजू बाजू गांव वाले को भी पूछ सकते हो, लाइक बहुत ही फेमस ट्रैक है। सो अगर आपको रास्ता नहीं मिला तो आप पूछ लेना किसको, वो बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाफ वे। एंड अभी एक ये आम का झाड़ है, लाइक अगर आपको ये झाड़ मिला रास्ते पे, तो यू आर ऑन द राइट रूट। एंड अभी जस्ट वेदर ओपन हुआ है, लाइक पूरा फॉग था सुबह सुबह। सो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पानी भी नहीं पिएगा और फिर आगे जाइए। इधर पीछे से रास्ता है, एक गाँव आएगा, सांडेवाड़ी ची विलेज है, उधर से फिर रूट है, तो आगे देखते हैं। तो और ये हम लोग का मैनेजर है, सो अभी हम लोग पहले नींबू पानी बनाने वाले हैं। दोनों संजू के छोटे भाई हैं, सो देखो कैसे नींबू पानी बनाने वाले। तो ये बॉटल था, कल रात को इसमें नींबू और शक्कर डाला, एंड देन थोड़ा घूम से खानेगा। फिर ये अपना सस्ता 10 रुपये का बॉटल 1 लीटर नीचे मिलता है भिवपुरी में, तो इसके अंदर पानी ऐड करने का। ये डाल दें मैनेजर, प्लीज कम हियर, प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। सो अभी अपना मैनेजर थोड़ा डालने वाला पानी। ओके डाले सर, खुद डालते हैं, बोलते हैं डाल दें। बस 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 कर ले। ये देखो नाला एक इंसान, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। ओके सो हम लोग ने अभी छोटू वड़ा पाव वाले को थोड़ा प्रमोशन दे दिया, तो ये अभी घूम से कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा घूम से बस आ जा ठीक कर देना, वे बहुत अजीब लग रहा था। सो गाइस, फाइनली नींबू पानी बन गया, थोड़ा टेस्ट करके दे पियो बिस्लरी। सो गाइस, फाइनली हम लोग हाफ वे पहुंच चुके हैं, लाइक मेन विलेज से 5 मिनट पहले आता है। एंड आपको यहाँ पे ना दिखेगा कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग बहुत होता है, लाइक जो विलेजर्स है वो सब इधर आते हैं एंड फार्मिंग करते हैं। एंड जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो पूरा गारबेट प्लाटू का रेंज है। एंड आपको लेफ्ट साइड से मेन विलेज का रास्ता दिखेगा, जहाँ से मंथन एंड भाविन जा रहे हैं।
सो गाइस एक घर एंड ऑल के सामने ही ना आपको एक मेन विलेज का रूट दिखेगा, वहाँ से ही रूट है। एंड ये जो पूरा दिख रहा है ना वो आपको गार्बेट प्लेटू का रेंज है, बहुत ही बड़ा रेंज है। एंड जो सामने दिख रहा है ना वो गार्बेट पॉइंट है। सो गाइस ये है सोंडेवाड़ी ची विलेज, ये है मेन विलेज गार्बेट प्लेटू का। एंड अगर आपको रास्ता वगैरह कुछ मिलता नहीं है ना तो यहाँ पे आप विलेजर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, लाइक ये बहुत ही फ्रेंडली है। एंड वैसे तो रास्ता बहुत ही सिंपल है ऊपर तक जाने का। सो गाइस जैसे ही आप मेन विलेज से बाहर निकलोगे ना तो आपको एक ऐसा ट्रेल दिखेगा, लाइक लेफ्ट साइड पे सब विलेजर्स अपना कपड़े एंड ऑल धो रहे हैं, लाइक यहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम है। एंड राइट साइड पे वेल है जहाँ से वो लोग पानी निकालते हैं एंड उनका सब कपड़ा धोते हैं, तो अपन वेल देखते हैं कैसा है। सो गाइस ये एग्जैक्ट वेल के सामने ना आपको गार्बेट प्लेटू का रास्ता मिलेगा, ये जो स्लोप है ना वही गार्बेट प्लेटू का रास्ता है। एंड लेफ्ट साइड पे गांव का रास्ता आता है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने 90% ट्रैक कवर कर दिया है, ये है फाइनल पैच एंड थोड़ा रिस्की पैचेस। सो गाइस केयरफुली आना यहाँ पे एंड अभी देखते आगे कि ऊपर से कैसा व्यू मिलता है। फाइनली पहुंच चुके हैं गार्बेट प्लेटू पे एंड दिस इज द व्यू। Hold me close till I get up, time is barely on our side, जाएंगे। एंड ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू है एंड क्या दिखता है। एंड व्लॉग में रहना क्योंकि आगे का जर्नी बहुत ही औसम होने वाला है, तो मिलते हैं ऊपर, चलो हाय। तो मड़ापा मड़ा बेन फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ गार्बेट प्लेटू। सो ये रहा एंट्रेंस एंड अभी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है टॉप। लाइक पूरे साइड पे फेंसिंग की है, कोई गिर ना जाए क्योंकि बहुत ही हाइट पे एंड रात को विंड्स एंड जब भी सुबह रहता है अर्ली मॉर्निंग विंड्स वगैरह बहुत तेज रहता है, फास्ट रहता है, सो उसके लिए सेफ्टी के लिए वो लगा है। एंड अभी आगे जाते हैं, आगे बहुत ही ऑसम व्यू है, पूरा प्लेटू का व्यू दिखेगा, देखते हैं। ये बैक साइड पे अपना पूरा गार्बेट प्लेटू दिख रहा है, लाइक बहुत ही ऑसम भाई क्या दिख रहा है। एंड अपने बैक साइड पे यहाँ पे पूरा माथेरान है, जो पीछे ना फुल माथेरान का रेंज है। एंड ये साइड पूरा नेरल है एंड हम लोग ने ना वहाँ से स्टार्ट किया था वो अपना भेवपुरी। सो अभी बस यहाँ पे थोड़ा बैठते चिल करते एंड व्यूज का मजा लेते हैं। सो अभी थोड़ा टाइम तक रहना व्लॉग में, अभी अपन आए तो भीवपुरी रोड से बट अपना डिसेंडिंग अलग साइड से होने वाला है, सो पूरा वीडियो देखना एंड अभी डिसेंडिंग का पार्ट देखते हैं। सो गाइस एग्जैक्ट गार्बेट पॉइंट के बैक साइड पे ना आपको दो रूट मिलेंगे, एक लेफ्ट पे जाता है एक राइट पे जाता है। सो गाइस राइट वाला रूट लेने का है एंड ये रूट माथेरान तक जाता है
एंड गाइज माथेरान से वी हैव टू टेक शेयर टैक्सी जो नियरेस्ट स्टेशन तक जाएगा। एंड गाइज जिसको भी गारबेट पॉइंट से नहीं आने का है, जो गारबेट पॉइंट तक नहीं आने वाले उनको भी नीचे से रास्ता मिलेगा लाइक माथेरान का। सो आप अगर आपको रास्ता नहीं मिला तो आप गांव वाले से भी पूछ सकते हो, लाइक वहाँ पे नीचे घर एंड ऑल मिलेगा आपको बैक साइड पे, एंड वहाँ से माथेरान का रास्ता है। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं माथेरान पे एंड वहाँ से देखते हैं कि आगे का जर्नी कैसा आएगा। सो गाइस फाइनली ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड गाइस जिसको भी गारो टाटू जाना हो वो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहला भिवपुरी स्टेशन जाना एंड स्टेशन के जस्ट बाहर ही आपको एक ग्रीन कलर का बोर्ड मिलेगा, लाइक वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड अगर आपको ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है गाइस तो आप आजू बाजू शॉप्स वाले को भी पूछ सकते हो, लाइक वो लोग बहुत ही अच्छे से आपको गाइडेंस दे देंगे। एंड गाइस जो डिसेंडिंग पार्ट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लाइक जो पीछे का रास्ता है वहां पे आपको बहुत सारे लेफ्ट एंड राइट टर्न्स मिलेंगे। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा ट्रेल फॉलो करना एंड देन आप माथेरान में पहुंच जाओगे। एंड गाइस उधर से ना आपको एक शेयर टैक्सी देने का जो आपको नियरेस्ट स्टेशन तक छोड़ेगा। सो गाइस ये सब बात आप ध्यान में रखना।